आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में गोपालगंज और मोकामा सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू। 14 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। चहलगांव में विजयदशमी के अवसर पर RSS ने निकाली पद संचलन यात्रा। इस दौरान जिले के सभी दुर्गा पंडालों में की पूजा अर्चना। नालंदा में आरक्षण नीति के विरोध में भाजपा ने जताया विरोध। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फूका पुतला। कैमूर के भबुआ शहर में अनोखी परंपरा, विजयदशमी के 2 दिन बाद होता है मूर्ति विसर्जन। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में सड़क दुर्घटना, कांग्रेस नेता के बड़े भाई की मौत। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं लागू कराने और 460 नगर निकाय उम्मीदवारों का भविष्य खराब करने एवं सभी नगर निकाय को अफसरों के हवाले करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अस्पताल चौराहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूका। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सागर सिंह ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण को लेकर बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके सरकार ने जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है, इसी आरक्षण नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रकट कर रही है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है। आज हम लोग आरक्षण जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो आरक्षण था और उसके विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट करके जो इन्होंने काम किया है पिछड़ा और अति पिछड़ा को ठगने का, आज हम लोग उसके विरोध में, उनके इस आरक्षण नीति के विरोध में हम लोग आज यहाँ पुतला दहन किए हैं। और चूँकि आज तक लालू यादव आरक्षण विरोधी हैं, आज तक उन्होंने न तो किसी प्रकार का आरक्षण आज तक लालू जी के राज में नहीं हुआ है, या जब भी हुआ है तो बीजेपी के राज में हुआ है और बीजेपी ही आरक्षण दे सकती है या दिलवा सकती है। बिहार की सरकार पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है। रिजर्वेशन आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने इसमें बैकवर्डों को दिया ही नहीं, अति पिछड़ा को इस तरीके से दिया कि उनका इलेक्शन के बाद भी रफा दफा हो जाता, यानी न पिछड़ा न अति पिछड़ा, ये दोनों के को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती सरकार। वो कैसे हुआ ये बता दें आपको, 17-16 साल की मिनिस्ट्री में लालू यादव और परिवार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। नीतीश कुमार चूँकि अब उन्हीं के साथ चले गए हैं, इसलिए उन्हीं के बाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसी को रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है। शारदीय नवरात्र बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गया। इस मौके पर पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भागलपुर कहलगांव इकाई द्वारा भी कहलगांव के सरस्वती विद्या मंदिर गौशाला से पैदल पद संचलन यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण के बाद पुनः अपने प्रारंभ स्थल पर पहुंचे। इस बीच कहलगांव देशभक्ति एवं भक्ति गीतों से सराबोर हो गया। नगर भ्रमण के बाद सभी स्वयंसेवक मोटरसाइकिल से कहलगांव के सभी दुर्गा देवी के पंडालों पर गए और पूजा अर्चना की। नालंदा जिले में इन दिनों नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सभी पार्टियां इस नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के नालंदा सांसद कौशल लेंद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील पर्व, MLC राजू यादव, रहुई प्रखंड अध्यक्ष राकेश मुखिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद कौशल कुमार ने कहा कि अति पिछड़ा का आरक्षण कोई आज की बात नहीं है, ये आरक्षण पहले से ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि 2022 में ही नगर निकाय चुनाव करा दिया जाए। देखिए, सरकार के पास एक ही उपाय है, जो पहले से नगर निगम चुनाव होते रहे हैं और अति पिछड़ा का आरक्षण को याद नहीं हुआ है, पहले से है, लेकिन जानबूझ करके कोर्ट ने जो काम किया है उसके चलते हमारे नेता का यह है कि हम जब भी होगा तो मैं आगे भी जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट, जबकि 2006 में ही सभी से राय लेकर के यह कानून बनाया गया था, बजाबता विधानसभा से पास हुआ था। यह मामला राज्य का है, केंद्र का नहीं, और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो अति पिछड़ा का जो आबादी है उस आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर पटना के समाजवादी कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मगुरु ने बेहतर स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना की। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव देश के एक ऐसे नेता है जो आम हो या खास हो सबको सम्मान देने वाले नेता हैं। ऐसा नेता देश में आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। देश में जितने भी समाजवादी पार्टी के जितने भी शाखा के लोग हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता, सबको अपने बराबर बैठाने वाले अगर देश में कोई नेता थे तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव। इसी वजह से देश में सब जगह सारे दल के लोग नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, भगवान से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर के समाजवादी विचारधारा के मजबूती के लिए देश में पुनः सक्रिय राजनीति में भागीदारी बने। बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर बिहार सरकार के खिलाफ जिला भाजपा द्वारा शंकर चौक पर मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कमेटी बनाकर सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण देने का आदेश दिया गया था, तो फिर बिहार सरकार ने आनन-फानन में चुनाव की घोषणा कर दी, जिससे अति पिछड़े वर्ग के लोग आहत हैं। पुतला दहन में नीतीश, तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आज इस राज्य भर के जितने भी नगर निकाय के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, सब लोग आज इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, सब लोगों का खर्चा हुआ, लेकिन इस राज्य की सरकार सिर्फ अपने अहम के कारण उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया, और इस आयोग के गठन नहीं करने के कारण हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यह आपने गलत किया है, इसलिए यह चुनाव नहीं हो सकता। ये जब 2005 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार की बनी थी, तो 2007 में हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को पंचायत स्तरीय चुनाव में आरक्षण देने का काम किए। जब तक हमारी सरकार रही, हम इस आरक्षण पर खरा-खरा उतरे, और जब हमारी सरकार हटी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब नीतीश कुमार समझौता किए, लालू यादव जिस तरह आरक्षण का विरोधी लोग हैं, उस तरह साजिश के तहत कोर्ट में हलफनामा नहीं दायर करके इस आरक्षण को समाप्त करने में अहम भूमिका नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी लाए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आरक्षण के समर्थन में, अति पिछड़ा समाज के समर्थन में रोड पे उतरकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। चानन के मननपुर बाजार में दुर्गा पूजा का समापन हो गया। लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्वक मंदिर परिसर में मूर्ति विसर्जन के लिए प्रस्थान किया, तो वहीं इस मूर्ति विसर्जन में प्रशासनिक अधिकारियों, संगून के जवानों का अहम रोल रहा। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानते हुए कमेटी के लोगों ने कहा कि समय पर मूर्ति विसर्जन करने का काम किया जाएगा। साथ ही कमेटी के लोगों ने बताया कि हम लोग भी प्रशासनिक अधिकारी की बातों और उनके द्वारा किए गए नियत समय में ये सारा काम किया है। मूर्ति विसर्जन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर साल के अपेक्षा आज इस बार कुछ अलग ढंग से हो रहा है। सारे बाजार के नौजवान दोस्तों में बहुत सारा उमंग है और माँ का विसर्जन बहुत भव्य तरह से होने जा रहा है। व्रत है, आज दुर्गा माँ हमारे हमसे विदा हो रही है। और लोग कहते हैं कि जब बेटियां विदा होती है तो माँ की आंखें और उन्हें विदा करने वाले की आंखों में आंसू आ जाता है, आप कैसा प्रतीत कर रहे हैं? अरे बेटी तो पराया धन है ही, बचाना पड़ता है। विजयदशमी के 2 दिन बाद भबुआ में मूर्ति विसर्जन होता है। मूर्ति विसर्जन करने से पहले भबुआ शहर में अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। बता दें कि विजयदशमी के 2 दिन बाद ही रात में शहर की मूर्तियां सब्जी मंडी स्थित बड़ी देवी मां की मूर्ति को साथ लेकर शहर का भ्रमण करती हुई छोटी देवी मां के मंदिर पहुंचती हैं, जहां छोटी और बड़ी बहन का मिलन होता है। मिलन यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त भाग लेते हैं और नाच गाने के साथ माता रानी के मंदिर पहुंचकर दोनों बहनों का मिलन करवाते हैं। वहीं दुर्गा पूजा समिति के सचिव ने बताया कि इस भव्य यात्रा की तैयारी को लेकर पहले से 5 अखाड़े बनाए जाते हैं। शहर में मूर्तियों का भ्रमण कराने से पहले सभी 5 अखाड़ों में पूजा पाठ किया जाता है। इस अखाड़े में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और माता रानी की इस यात्रा में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने देते हैं। बड़ी माँ है, इनके साथ 5 अखाड़े चलते हैं। अनंत पूजा के दिन हम लोग का अखाड़ा पूजन होता है। उस दिन से हमारे नायक बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। उसी का ये रूप है, आज झांकी के रूप में आप देख रहे हैं। ये साल भर में एक बार हम लोग वहाँ से आते हैं, देवी माँ के यहाँ मिलन होता है, अपने बहन से मिलती हैं साल भर में एक बार और प्रत्येक गली में जाकर सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। साल भर में एक बार पुनः हम लोग अपने स्थान पर जाकर समिति के सचिव हैं। रिश्ता है कि माँ दोनों बहन बहुत लंबा परंपरा है, सैकड़ों सालों की परंपरा है कि जो है दोनों बहन आकर के मतलब मिलती हैं। हम भावना से जो है बड़ी माता उन्हें बोलते हैं। उनका जो है प्रचलन में नाम बड़ी माता हो गया है, लेकिन बड़ी माता वही हैं। ये जो है आती हैं माँ और उनसे जो है मिलती हैं और सभी मतलब नगरवासियों का, जिलावासियों का, बिहारवासियों का, भारतवासियों का मंगल हो कामना के साथ जो है मतलब विजयादशमी का पर्व समाप्त होता है। ये जो है बुराई पर अच्छाई का विजय है, इसलिए इसका नाम विजयादशमी है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और ये माता पूरे नगर की भ्रमण करते हुए जितनी मूर्तियाँ यहाँ देवी जी की बनती हैं, दुर्गा जी की, इनके पीछे लग जाती हैं और शहर में सबको दर्शन देते हुए इनके पीछे पीछे लगकर अपन में चली जाती हैं। आपको क्या कहते हैं उनको विसर्जन के, हाँ विसर्जन में उनका विसर्जन। भागलपुर के अलीगंज के वार्ड नंबर 41 और 42 के अलीगंज मुख्य सड़क पर नाले और बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो जाने के कारण अलीगंज रोशन चक की प्रतिमा विसर्जन को अलीगंज मुख्य सड़क पर श्रद्धालुओं के द्वारा रोक दिया गया था। लोगों की मांग थी कि जब तक सड़क से पानी नहीं हटाया जाएगा तब तक यहां से मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं होगा। तो वहीं मामले की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी और एएसपी भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के द्वारा पानी निकालने वाली गाड़ी लेकर पहुंचे, जिसके बाद विसर्जन जुलूस में जा रहे लोगों को समझा बुझा कर वहां से प्रतिमा विसर्जन जुलूस को निकाला गया। दुर्गा पूजा समिति का बैठक हुआ था। बैठक के समय जब बोल दिया गया सारा नाले की सफाई किया जाए, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हो सड़कें साफ किया जाए, वहाँ ढलाइया किया जाए, लेकिन एक भी कंसेशन नहीं हुआ। दूसरी बात ये नाली का कम समस्या आज से पूछा, 1 महीना से पहले से बोला गया था कि नाली से बुच्चर खाना का सारा कचरा नाली में फेंक दिया जाता है, जिससे नाली पूरा तरह से जाम है और वो सारा गंदगी का नाली और खून सारा रोड पर आके बह रहा है। और क्या चाहते हैं कि हम प्रतिमा को नाले में खून में भाग ले जाएँ। हम नगर निगम से बस एक ही मांग करते हैं कि इसका अस्थायी समस्या का निदान हो और फिलहाल के लिए नगर हमसे कोई गाड़ी मांगा के रोड के पानी साफ करे और नाले का कचरा बाहर करे। नौमी को बारिश हुई थी, थोड़ी जल जमाव की स्थिति बन गई थी, तो उसको निगम के द्वारा क्लियर करा दिया गया था। परंतु अभी जो लगातार 2 घंटे बारिश हुई फिर से जल जमाव हुआ और क्योंकि आस्था का बात है और उनके जो मेडपति थे उनका कहना था कि ये समस्या होगी कि हम लोग इसी पानी से ले जाए। फिर इसी पर सहमति हुई कि हम लोग क्रॉस करवा के जो भी गाड़ी जिससे जा रही है उसको धुलवा दे फायर टेंडर की गाड़ी से, तो वो अरेंज हो गया होगा। 2 घंटा जो बारिश हुई मूसलाधार बारिश के कारण में जल जमा हुआ, उसकी वजह से जो है मूर्ति जो है वो आगे नहीं जा पाई, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक दूसरा तरीका निकालते हुए मूर्तियों का जो लोग हैं उन्हें बस में चढ़ा के आगे भिजवा दिए और बाकी जो मूर्ति हैं वो अपने स्थान से आगे निकल चुकी हैं। तो जल्दी ही यहाँ से टैंकर बुला दिया गया है, जिससे पानी निकाल दिया जाएगा और कोशिश है कि एक या दो घंटे में हम पूरा रोड को सुचारू कर दें। जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड परिसर में विजयदशमी दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजकों ने बार बालाओं को गाने पर डांस करवाया गया, जिसको लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अनजान बनी हुई थी। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्हें इस बात की सूचना भी नहीं दी गई कि प्रखंड कार्यालय परिसर के अंदर रात भर बार बालाओं का ठुमके लगा जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नालंदा में मेला देखने के लिए घर से निकली एक महिला का शव 48 घंटे बाद नदी से इस्लामपुर पुलिस ने बरामद किया है। घटना के संबंध में मृतका के परिजन ने बताया कि महिला अपने घर से 9वीं के दिन मेला देखने के लिए जैतीपुर गांव गई हुई थी, जहां जाने के लिए सोनावा नदी को पार करना पड़ता है। इसी दौरान वह नदी के तेज धार में बह गई होगी, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। नदी में महिला की लाश मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान होने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मेला देखेला उन्हें सामने लगा नदी था, उसमें हेला और काखनी डूब के हम लोग तो 3 रोज से एकदम खोते पर सामान नहीं। मतलब ये 3 दिन का ये मामला है? जी हाँ, 3 रोज पर कल लाश मिला। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बसंत पासवान। क्या लगते हैं मृतक के आप? हमारा बच्ची है। क्या नाम हुआ बच्ची का? बच्ची के संगीता देवी। नालंदा में सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। बता दें कि NH-30 पर भासिंग बिगहा के पास 4 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। पीछे से आ रही एक कार भी अनियंत्रित हो गई और मोटरसाइकिल से जा भिड़ी, जिसके चपेट में आने से पैदल अपने घर लौट रहे युवक की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में कुल 7 सवार और चालक जख्मी हो गए हैं, जबकि अन्य 6 जख्मी लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और घायलों का इलाज चल रहा है। साथ ही सभी गाड़ियों को जब्त करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तुलसीगढ़ से ग्रामगंज पर से पूरा जा रहे थे, मोटरसाइकिल से और कार में टक्कर होने से एक्सीडेंट हुआ। ये क्या चीज़ से थी? ये पैदल जा रहे थे। कितने मोटरसाइकिल? 4 मोटरसाइकिल पहले टक्कर हुआ है, उसके बाद है कि कार वाला अनबैलेंस होकर वो ठोक दिया। नालंदा जिला मुख्यालय में इधर विजयदशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर स्थित नाला रोड में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वह काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर उसने काली का रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने काफी देर तक घूमते हुए लोगों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान ना कमेटी के सदस्यों व मेले में आए श्रद्धालुओं ने भी आशीर्वाद लेते नजर आए। नवादा स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर खुरी नदी पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मेमू ट्रेन गया से नवादा की ओर आ रही थी, तभी खुरी नदी पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। राजौरी में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में रेडीमेड कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगने से दुकान संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि आसपास के ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों व कर्मियों को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग को बुझाया। इस घटना को देखने के लिए वहां पर दर्जनों लोग जमा हो गए। तो उधर दुकान संचालक ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी उसे नहीं है, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से उसके दुकान में आग लग गई हो। खबर सहरसा जिले के शौर बाजार थाना क्षेत्र के कढ़ाया वार्ड नंबर 3 से है, जहां दुर्गा पूजा मेला के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। आयोजन कार्यक्रम में देर रात तक भोजपुरी अश्लील गानों पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान दर्शकों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद मारपीट की तो नौबत 3 गई, जिसके बाद एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाजी गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया ये भी जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। सहरसा पुलिस ने अंतर्राज्य चोर गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कई कंपनियों के 22 मोबाइल बरामद हुए हैं, साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई है। सदर थाना में आरोपित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि यह सभी चोर अंतर्राज्य गिरोह के सदस्य थे। यह सभी चोर मोबाइल चोरी कर बेचते थे और चोरी किए गए मोबाइल को खरीद बिक्री करते थे। इन सभी चोर का कनेक्शन दूसरे राज्य से भी है। फिलहाल पुलिस चोर की सख्ती से पूछताछ करने में जुटी है। टेक्निकल टीम के हेल्प से ये पता चला कि ये मोबाइल चोर इसी इलाके में आसपास है और उसी टीम के सहयोग से और हमारे जो SHO हैं, इन लोगों ने मिल करके बड़ी दुर्गा मंदिर के पास से एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा। वहाँ पर बड़ी दुर्गा मंदिर के पास से किशन नोनिया और विशाल कुमार नाम के 2 चोर पकड़े गए और इनके निशानदेही पर फिर हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पूर्वी कॉलोनी के पास से, दुर्गा मंदिर के पास से 2 और लोग सुपौल महतो और छोटू कुमार को पकड़ा, जिनके पास से एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। उस पिट्ठू बैग में कुल चोरी के 19 मोबाइल और 4 इन लोगों के मोबाइल, कुल 23 मोबाइल बरामद किए गए। एक तरफ जहां दुर्गा पूजा के मेला में लोग व्यस्त थे, तो वहीं भागलपुर में घात लगाए अपराधियों ने एक युवक को मेले से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो इस युवक का कुछ दिन पहले अपराधियों से मोबाइल को लेकर कहासुनी हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने बदले की भावना से ये कदम उठाया और अभिषेक कुमार के नाम के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और आगे की छानबीन में जुट गई है। हम लोग को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाकी पुलिस के द्वारा उसमें पकड़ धक्का किया जा रहा है। तब तक लोग पकड़े भी गए हैं। सुबह मृत व्यक्ति को किसी स्थल पर रखकर लोगों के द्वारा कुछ कतिपय मांग की जा रही थी। हम लोग के द्वारा उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया है। मृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और रहने वाले तो हैं गोपालपुर थाना क्षेत्र के, लेकिन यहीं पर अपने मामा घर में रहते थे। उनकी किसी अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो रात से ही पुलिस धरपकड़ में लगी है। भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है। उससे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी का सोर्स मिला है, जिस पर हम लोग आगे का रेड वगैरह कर रहे हैं जल्दी। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।